लोगों को साउथ इंडियन डिश टमाटो रसम बना के सिखाऊंगी। इसका मेन इंग्रेडिएंट है टैमरेंड जूस। ये टैमरेंड आप, मैं तो आज 10 मेंबर के लिए बना रही हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा एक मुट्ठी भर का टैमरेंड ली हूँ। उसका भिगो के 15 मिनट भिगो के उसको जूस लेना चाहिए। ये इतना जूस लिया हूँ। फिर बाद में इसके लिए इंग्रेडिएंट्स धनिया, फिर जीरा, राई, मेथी, पेपर का पाउडर ली हूँ, उड़द दाल, चना दाल, कड़ी पत्ता, अदरक, लहसुन, गुड़ और लाल मिर्च, ग्रीन चिल्लीज, पुदीना, कोरिएंडर का पत्ता और टमेटोस और साल्ट एंड हल्दी। आज हमारे क्लब में नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स हैं, उनके लिए मैं रसम बना के सिखाऊंगी। 2 स्पून धनिया डालेंगे, फिर 1 स्पून जीरा, थोड़ा सा 1/4 स्पून मेथी, ये ज़्यादा नहीं डालना नहीं तो कड़वा आ जाएगा, और 1 स्पून पेपर डालना है, आज तो मेरे पास पेपर का पाउडर है, और थोड़ा सूखे लाल मिर्च, ये तो आपको मिर्ची देख के करना है, और थोड़ा हरी मिर्च, पुदीना और थोड़ा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, ये सब हम लोग मिक्सी में पीसेंगे। पहले ये मसाला पूरा ऐसा महीन पीसा है, और उड़द दाल और चना दाल ड्राई रोस्ट करके ऐसा पाउडर बना के रखा है। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा थिक चाहिए रसम बोलने से, ये फ्राई करके पाउडर बना के डाल सकते हैं। गैस में बर्तन चढ़ाएंगे, फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 टेबल स्पून काफ़ी है, क्योंकि रसम है ना, ज़्यादा नहीं चाहिए। फिर इसमें थोड़ा सा उड़द दाल और चना दाल, फिर सूखा लाल मिर्च डालेंगे और कड़ी पत्ता। थोड़ा जीरा डालना है, कड़ी पत्ता डालना है और सरसों, थोड़ा पतला हो गया पत्ता। तड़का मारी हूँ, बस तड़का नहीं जलना है, और स्टीम करके हम लोग अभी ये मसाला डालेंगे। इसमें धनिया जीरा का जो पेस्ट बनाए हैं ये डालेंगे। गुड मॉर्निंग सबको, ये थोड़ा फ्राई करना है। जलना नहीं चाहिए, ये थोड़ा फ्राई होने के बाद, कच्चा भी नहीं रहना है। ये मसाला थोड़ा फ्राई होने के बाद इसमें टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे, जल्दी फ्राई करने के लिए नमक डालेंगे। अभी इसको फ्राई करेंगे, ऐसा थोड़ा फ्राई होने के बाद इसमें मैं ये टैमरेंड का जूस डाल रही हूँ। उसमें भी थोड़ा हल्दी डाली हूँ, फिर से थोड़ा सा डाल रही हूँ, और उड़द दाल और चना दाल का पाउडर, और थोड़ा सा हरा धनिया। अभी इसको हम लोग एक उबाल आने के लिए रखना है। वो बंद हो गया।
हम लोग इतना सा गुड़ डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आप लोग कम या ज़्यादा आपके फैमिली जैसा खाते हैं वैसा डाल सकते हैं। हम तो ये 10 मेंबर के लिए बनाए तो थोड़ा ज़्यादा डाले हैं, आप शक्कर भी डाल सकते हैं थोड़ा। ये रसम पीने के लिए विंटर्स में बहुत अच्छा रहता है, ये ऐसा तो उबाल एक दो उबाल आना चाहिए तब भी रसम अच्छा रहेगा। और फाइनल गार्निश के लिए थोड़ा कोरिएंडर डाल सकते हैं। थैंक यू। अभी रसम हमारे मैडम को टेस्ट करने के लिए दे रही हूँ। मैम आप टेस्ट करके देखिए। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में, और सारे जो मसाले वगैरह हैं बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, तो देखते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू सो मच।